मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल राजस्थान और गुजरात की पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट कॉन्टेन्स हाई अमाउंट ऑफ सैंड एंड वेरी लेस ऑर्गेनिक मैटर। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंड होती है और बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर है जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। सूटेबल फॉर, ये जो सैंडी सॉइल है ये डेट्स, वीट्स, मेल्स, बाजरा एंड पल्सिस के लिए सूटेबल है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन मींस मिट्टी का संरक्षण, मतलब हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड वाई इट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। जो सॉइल है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका बचाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल। जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर है उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। तो ये जो लेयर है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। रिमूवर ऑफ द टॉप सॉइल बाय विंड, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? जब टॉप सॉइल का रिमूवल हो जाता है किसके द्वारा? तेज़ हवाओं के द्वारा, बारिश के कारण और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो सॉइल है वो रिमूव हो जाती है। उसका जो टॉप लेयर है जो कि बहुत फर्टाइल होती है वो उसका रिमूवल हो जाता है, तो उसको ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो एंड मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट लूज देयर शेल्टर वेन सॉइल इरोजन ऑकर्स। तो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स और जानवर अपने शेल्टर को खो देते हैं जब सॉइल इरोजन होता है। हैंस वी फॉलो सर्टेन प्रैक्टिसेस टू रिटेन द सॉइल। तो हम बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा सॉइल को दोबारा से फर्टाइल बना सकते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। दीज प्रैक्टिसेस दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमें हेल्प करती हैं सॉइल के लॉस को, ये हमें हेल्प करती हैं सॉइल के लॉस को प्रिवेंटिंग करने के लिए। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर प्लांटिंग मोर ट्रीज। कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, वो सारे ये मेथड नीचे लिए गए हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली रीजंस, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स ऑन द रिवर बैंक, यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक ग्रीन मैन्योर और काउ डंग इंस्टेड ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। हमें बहुत ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए और टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए हिली रीजन में, और उसके बाद जो रिवर बैंक्स हैं उनके दोनों साइड्स पे एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए। एम्बैंकमेंट्स मीन दोनों साइड पे सीमेंट या पत्थर की दीवारें बनानी चाहिए जिससे कि जब फ्लड आए और पानी बाहर ना जा सके। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे काउ डंग, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ग्रीन मैन्योर और काउ डंग का यूज़ करना चाहिए। अवॉइडिंग ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा जो और ओवर ग्रेजिंग होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन इज़ अ मेथड इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड अल्टरनेटली। तो क्रॉप रोटेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए जिसके द्वारा कि अलग अलग क्रॉप्स को उगाकर जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करना चाहिए। द सॉइल गेट्स रिप्लेनिश्ड विद द मिनरल्स इट लॉस्ट, ताकि जो सॉइल अपने पोषक तत्व खो चुकी होती है उसको वो दोबारा से पा सके। हैंस क्रॉप रोटेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड। तो इसीलिए जो क्रॉप रोटेशन का मेथड है उसको यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।